अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ते का मैं सोच ही रही थी मैं क्या बनाऊं, तो अदर मेरे पास अपनी एक बुक लेकर आई कि आपने ना ये वाली बनाना पैनकेक की रेसिपी ट्राई करनी है, देखते हैं बुक वालों ने हमें सही रेसिपी भी दी हुई है कि नहीं दी हुई है। तो ये अदन की स्कूल की बुक है जिसके अंदर इन्होंने कुछ कुछ रेसिपीज़ भी बच्चों के लिए दी हुई हैं, तो बच्चे चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो जी आज हम ये ट्राई करेंगे कि कैसे बनते हैं। अच्छा, जो मैं बनाती थी ना उसके अंदर मैदे का इस्तेमाल होता था, इस रेसिपी में इस्तेमाल होगा बनाना का, और ये ज़्यादा हेल्थी रेसिपी है। तो यहाँ पर दो हमने बनानाज ले लिए हैं, उसको हमने फोर्क से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब इसके अंदर जाएंगे 2 eggs, 1 teaspoon इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। बस अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर शुगर नहीं जाएगी क्योंकि जो शुगर है वो हमें बनाना से मिल जाएगी। अगर आप मैदे वाला बना रहे हो तो उसके अंदर फिर शुगर जाती है, तो इसके अंदर शुगर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना फिर मैंने इसको होता थोड़ा सा बीट कर लिया था, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही पतला हो गया था, फिर मैंने इसके लिए थोड़ा सा मैदा इस्तेमाल कर लिया। एक से दो मिनट के लिए इसको कवर कर दें ताकि ये स्टीम में अच्छे बन जाएं। जब इसके ऊपर बबल जाना शुरू हो जाएं फिर आप इसकी साइड चेंज कर लें, और आपकी अपनी मर्ज़ी है आपने पैनकेक जो है ना किस साइज़ के बनाने हैं। काफ़ी बड़े बड़े भी बन जाते हैं, इससे छोटा साइज़ भी बनता है, लेकिन हमने दरमियाना साइज़ रखा है। तो हमारे पैनकेक जो है ना काफ़ी अच्छे बन गए थे, टेस्ट भी बहुत मज़े का था। बस एक गलती ये हुई थी कि मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी पतला हो गया। फिर मैंने उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना मैदा डाल दिया था, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद ये इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेट कर दी बनाना से और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी से, एंड पर इसके ऊपर थोड़ी सी हनी डाल दें और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दें, तो यहाँ पर मज़ेदार से जो है पैनकेक हैं वो तैयार हो जाएंगे। उसके बाद ये हस्बैंड भी उठ गए थे, तो उन्होंने जिम जाना था, या पर फिर मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया। वो जिम जाने से पहले या तो एग्स ले लेते हैं, या फिर वो लेते हैं सीरियल, या फिर वो पोरिज ले लेते हैं। तो यहाँ पर दूध लेकर उसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया, फिर 3-4 टेबल स्पून उसके अंदर मैंने पोरिज का डाल दिया। तो एक साइड पर मैंने साथ साथ जो है ना फ्रूट भी कट कर लिए थे, और यहाँ पर जो है मैंने चिया सीड्स भी भिगो कर रखे हुए थे। ये तो वैसे 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर जो है ना बन जाते हैं, जो थोड़ा मलंगा होता है ना वो थोड़ा टाइम लेता है बनने में, तो इसको तो आप ऐसे भी डाल देना तो ये दूध के अंदर ही हो जाते हैं। उसके बाद जी मैं शॉपिंग सेंटर चली गई, मेरी फ्रेंड है उनकी बेटी की बर्थडे थी, तो यहाँ से उनके लिए गिफ्ट लेना था, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आपको दिखा दूँ मैंने कौन सा परफ्यूम लिया है। तो साथ ही यहीं से ना मैंने पैकिंग भी करा ली थी। अच्छा, जब ये पैकिंग कर रही थी ना तो मेरे माइंड में आ रहा था कि इसने बहुत छोटा डैपर लिया, ये किस तरह इसकी जो है ना पैकिंग करेंगी। तो फिर मैंने कहा शायद मुझे पैकिंग करना अच्छा ना आता हो, तो ये तो प्रोफेशनल है, अच्छा पैक कर लेगी। तो वो कुछ देर तो जो है ना इसी के साथ लगी रही कि इसी को पैक कर लूँ, एंड पे फिर उसने कहा कि मैंने छोटा ले लिया है तो मुझे नया लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैंने कहा मेरा अंदाज़ा जो है ना ठीक निकले। तो फिर यहाँ पर उसने फिर नया बड़ा रैपर लिया, फिर उसके साथ पैकिंग की।
थैंक यू सो मच। उसके बाद जो यहाँ से हमने अपने लिए जूस लिए, एक हमने लिया था स्ट्रॉबेरी का और दूसरा हमने लिया था पता नहीं कोई डिफरेंट सा फ्रूट था, अब तो मुझे याद भी नहीं है उसका क्या नाम था। उसके बाद जी मैं घर आ गई, घर आ गई, मैंने कहा चलें जी अब दोपहर का खाना बना लेते हैं। वैसे ना शॉपिंग सेंटर जाके ना बंदा बड़ा थक जाता है, मैं ट्राई करती हूँ हमेशा जाने से पहले बना कर जाऊँ, लेकिन बस मुझे अचानक जाना पड़ गया तो बस अब मैं आकर जो है ना अब मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया। अच्छा प्याज जो है ना मैंने थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है क्योंकि एंड पर जो है ना मुझे प्याज को ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा निकाल लेना है इसके अंदर से। प्याज ब्राउन करने के बाद 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि प्याज और ना जले। उसके बाद ये सारे मसाले डाल दिए जिसमें नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, कुटी हुई मिर्च है, जीरा है, धनिया है, नमक है, और उसके बाद मैं टमाटर भी साथ ही डाल दिए। अब इनकी 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे, बिल्कुल हमने टमाटर को जो है ना गलाना नहीं है। और इसके साथ जो है हमने खड़े मसाले भी डाल दिए जिसमें है कड़ी पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग। बस अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, उसके बाद हम इसके अंदर चने डाल देंगे। जितना टाइम आपने भुनाई पे दिया होगा ना खाने का उतना ही टेस्ट आएगा, और बेशक आपने मसाले 1-2 ही क्यों ना डाले हों तो भुनाई पर अच्छी तरह से आप ध्यान दिया करें, फिर आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। दो ग्लास पानी डाल दिए, जब उसमें बॉईल आ गया फिर चावल मैंने पहले से ही भिगो कर रखे हुए थे वो डाल दिए, और उसके बाद 4 से 5 जो है मैंने ग्रीन चिली इसके अंदर डाल दी। अच्छा मुझे चना के चावल में ना थोड़े टमाटर नज़र आए ना तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसका जो मसाला है ना वो नहीं बनाया। उसके बाद ये 1 कनौर डाल देंगे, और आपने कनौर को अच्छी तरह से जो है ना इसके अंदर मिक्स कर लेना, नहीं तो जब आप दम खोलेंगे ना तो कहीं ना कहीं चावलों में जो है ना वो कनौर आपका नज़र आएगा और जिसकी वजह से नमक जो है उसका टेस्ट लगेगा, तो अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। तो बस जी यहाँ पर जब हमारा थोड़ा सा पानी रह जाएगा उसके अंदर फिर मैं थोड़ा सा पुदीना डालकर इसको दम पर लगा दूँगी। साथ साथ जो है मैंने सलाद और ये पुदीने की इमली वाली चटनी तैयार कर ली थी, और इतने मज़े की लगती है ना, मैं कहती हूँ सारा खाना एक तरफ होता है और सलाद और चटनी जो है एक तरफ होती है। तो बस जी यहाँ पर हमने दम खोल लिया, अब मैं चावल को डिश आउट कर लूँगी। तो जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखे हुए थे वो इसके ऊपर थोड़े से डाल दिए और थोड़ा सा पुदीना डाल दिया। तो बस ये अब हम खाना खाएंगे। अच्छा शाम में ना फिर हमारे मोहल्ले में किसी के घर में ना आग लग गई, तो सारे में धुआं धुआं हुआ था और सब मोहल्ले वाले जो है ना निकल गए बाहर कि देखते हैं क्या हुआ है। तो फिर एम्बुलेंस भी आई हुई थी, फायर ब्रिगेड भी आ गई, तो फिर हम भी देखने गए कि खैरियत तो है ना। तो वो आगे किसी को जाने नहीं दे रहे थे, बस फिर मैंने दूर से ही वीडियो बनाई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई जाने नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक ठाक था।
बस जी वापस आकर फिर मैंने अपने थोड़े से बर्तन धोए, बर्तन रखे हुए थे बाहर, इतना हंगामा मचा बताना कि मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ कर जो है ना बाहर चली गई। तो जी अब मैं बनाने लगी हूँ रात का खाना। एक कढ़ाई में ऑयल डालकर 4 से 5 लौंगे उसके अंदर डाल दिए, थोड़ा सा प्याज डाल दिया और प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया क्योंकि मैं बना रही हूँ उर्दों की दाल, तो फिर दाल का कलर भी जो है डार्क हो जाएगा अगर प्याज को हमने ज़्यादा डार्क किया। तो यहाँ पर हमने लाइट ब्राउन करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, बस फिर उसके अंदर टमाटर डाल दिए। अब टमाटर को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। उसके बाद है इसके अंदर डाल दी हल्दी, रेड मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई मिर्च और नमक। अब इसका हमने अच्छा सा मसाला बना लेना है। मसाला बनाने के बाद 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर योगर्ट डाल दी थी अच्छी तरह से फेंट कर। जब योगर्ट अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए, मतलब ऑयल ऊपर आ जाए, इसकी फुटकरियाँ से बाकी ना रहे, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे दाल। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया था। तो 1.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, फिर इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। तो जब इसके अंदर बॉईल आ गया, पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, दाल को हमने चेक कर लिया कच्ची तो नहीं है, अगर कच्ची हो तो दोबारा पानी डाल दें। बस जब इसके अंदर हल्का हल्का पानी रह गया था, बस फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया गर्म मसाला। साथ में मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज डाल दी। हमारे घर ग्रीन चिलीज जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। सालन में हम मिर्चें कम रखते हैं लेकिन अलग से जो है ना हम ऐसे ज़्यादा डाल देते हैं। एंड पर बस मैंने इसको धनिया से गार्निश कर दिया। उसके बाद जो मैंने अदन का होमवर्क करवाया, अब मैं होमवर्क करवा के फारिग हुई हूँ, तो साथ साथ फिर मैं आटा गूंद लूँगी। वैसे तो अक्सर जो है ना मैं आटा सालन बनाते हुए ही गूंद लेती हूँ, लेकिन फिर वीडियो भी बनानी होती है तो इसलिए हर चीज़ जो है ना अलग अलग करनी पड़ती है। तो आटा गूंदने के लिए मैंने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया। बस अब जल्दी जल्दी से आटा गूंद लेंगे, रात हो गई है, उसके बाद जी हम खाएँगे खाना। तो साथ ही मैं इसको धो कर भी रख दूंगी। मैं ट्राई करती हूँ हमेशा साथ साथ जो है ना मैं बर्तन धो के रख दूँ ताकि बाद में ज़्यादा जमा ना हो जाए। यहाँ पर हर काम जो है ना हमें खुद ही करना होता है, कोई हेल्पर नहीं होता है, तो इसलिए अगर बर्डन हो जाए ना फिर डिप्रेशन भी हो जाता है कि अभी इतना ज़्यादा काम करने हैं। तो जी बस यही थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।